हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए घर पर बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से इडली बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सॉफ्ट इडली को बनाने के लिए कई बार इडली रवा, इडली के चावल, मेथी दाना या सोडा को यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम इस इडली को बनाने के लिए इनमें से किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे और साथ में इडली कुकर को भी यूज़ नहीं करेंगे। इस सॉफ्ट इडली को बनाने के लिए घर पर जो हम रेगुलर राइस को यूज़ करते हैं उसे यूज़ करेंगे और साथ में उड़द दाल को यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉफ्ट इडली को घर पर बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं। सॉफ्ट इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक ही कप को सेट करना होगा मेजरमेंट के लिए। इस तरह का एक मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है, इसी से हम दाल और चावल को मेजर करेंगे। इसी ग्लास से मैंने यहाँ पर एक ग्लास उड़द की दाल को लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के उड़द दाल को लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर साबुत उड़द दाल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस उड़द दाल को मैंने यहाँ पर बर्तन में डाल दिया है, अभी इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से भीगने के लिए रख देंगे। इडली को सॉफ्ट बनाने के लिए उड़द दाल का अच्छी तरह से भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इस उड़द दाल को करीब 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से भीगने के लिए रख देना है। और जिस ग्लास से हमने यहाँ पर उड़द दाल को मापा था उसी ग्लास से हम करीब 3 ग्लास कच्चे चावल को लेंगे। ये वही कच्चे चावल हैं जिसे हम और आप ज़्यादातर खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कोई इडली राइस या बॉयल राइस को यूज़ नहीं किया है। अब इस चावल में भी पानी डालकर इसे भी करीब 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। यहाँ पर इस दाल को मैंने करीब 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था, तो यह अभी अच्छी तरह से भीग चुकी है। हमने दाल और चावल दोनों को अलग अलग से भिगाया था, तो आप देख सकते हैं दोनों ही अच्छी तरह से भीग चुके हैं। और अभी दाल और चावल दोनों को अच्छी तरह से धोकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दाल और चावल को मैंने यहाँ पर धोकर रेडी कर लिया है, अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पर इसे स्टोन ग्राइंडर को यूज़ करूँगी, आप इसे ग्राइंड करने के लिए मिक्सी जार को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ दाल को डालकर ही ग्राइंड करेंगे। दाल को ग्राइंड करते वक्त हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी को नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी को डालकर एक स्मूथ बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से सोक कर लिया है तो इस बैटर को स्मूथ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैंने इस दाल को पीसने के लिए यहाँ पर स्टोन ग्राइंडर को यूज़ किया है, तो इसे ग्राइंड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और अगर आप यहाँ पर मिक्सी जार को यूज़ करते हैं तो इसे ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पर ये दाल अभी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है, तो अभी हम इस दाल के बैटर को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल को तो हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, अब इसी ग्राइंडर में हम चावल को भी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जब आप चावल को ग्राइंड करेंगे, चावल में भी आपको उतना ही पानी डालना है जितना कि आपकी मिक्सी जार घूम सके, और चावल को इडली रवा या सूजी के टेक्सचर में ग्राइंड कर लेना है। और अभी ये चावल बिल्कुल सूजी के टेक्सचर में ग्राइंड हो चुके हैं, अभी इस बैटर को हम उड़द दाल के बैटर के बर्तन में डाल देंगे और इस उड़द दाल और चावल के बैटर को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आपको ये बैटर थोड़ी सी थिक लग रही है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा भी पानी को ऐड नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे ये सही तरीके से फर्मेंट नहीं होगी और इसकी वजह से इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बैटर की टेक्सचर कुछ इस तरह की बन जाती है। यहाँ पर अभी ये बैटर बिल्कुल रेडी है, अभी हम इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए करीब 8 से 10 घंटे के लिए लिड से कवर करके रख देंगे। और करीब 10 घंटे बाद जब हम इसके लीड को हटाएंगे तो आप देखेंगे ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटर कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुकी है, बैटर में कितनी अच्छी तरह से जाली पड़ रही है। इस तरह से जाली पड़ जाए तो आप समझ जाइए आपकी बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इससे बनाई गई इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप चाहे तो इसी बैटर से डोसा को भी बना सकते हैं। डोसा बनाने के लिए इस बैटर में आपको थोड़ा सा पानी को ऐड करना होगा और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। इस बैटर को मिक्स करते वक्त बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। हमने अभी तक इसमें नमक को नहीं डाला है, नमक को अभी इसमें डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इडली बैटर की कंसिस्टेंसी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। और जब हम इसमें ग्राइंड करते वक्त इसमें ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ये पतले हो जाएंगे और जिसकी वजह से बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होगी, और बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होने पर इस तरह से ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में भी नहीं बनेगी। तो चलिए अभी हम इससे इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक इडली स्टैंड लिया है, जिसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करके अब सारे बैटर को इसमें डाल देंगे।
बैटर को मैंने इडली प्लेट्स में डाल लिया है। अब इस इडली प्लेट्स को हम एक के ऊपर एक रखकर इसे असेंबल कर लेते हैं। और आज इस इडली को बनाने के लिए हम यहाँ पर इडली कुकर को यूज़ नहीं करेंगे, प्रेशर कुकर को यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है। अभी इस इडली स्टैंड को हम इस प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और इसे लिड से कवर कर देंगे। और प्रेशर कुकर में विजिल को बिल्कुल नहीं लगाना है और इसे करीब 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करने के लिए रख देना है। 15 मिनट बाद लिड को हटाएंगे और आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनकर रेडी हो जाएगी। इडली प्लेट पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इडली प्लेट में से हम इडली को निकालेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा इडली को इस तरह से प्लेट में निकाल कर रेडी कर लिया है। तो देखा आपने, बिल्कुल दो इंग्रेडिएंट के साथ हमने यहाँ पर इडली बनाई है। साथ में हमने यहाँ पर इस इडली को स्टीम करने के लिए इडली कुकर को भी यूज़ नहीं किया है। इस इडली की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी बनी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर ले। इससे आपको हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।